एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम पढ़ेंगे मेमोरेंडम क्या होता है, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हम जान रहे हैं कि कंपनी से रिलेटेड है। तो कंपनी क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरेंडम के बारे में। ये कंप्लीट वीडियो होगा अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस मेमोरेंडम वर्ड की मीनिंग के ऊपर कि इसका बेसिक मतलब क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन्स व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड। इट एस्टैब्लिशेस द कंपनीज अथॉरिटी। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ अ कंपनीज लॉ and regulations for its interaction with the outside world. Memorandum of Association एक ऐसा document होता है जिस document में कोई भी company है, ABC company, कोई भी company, वो company कैसे outsiders के साथ deal करेगी, उस company के form होने के पीछे उसके क्या क्या objectives हैं, सारी बातें mention होती हैं। तो वो वाला document हमारा कहलाता है Memorandum of Association। एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कंपनी के इंटरनल रूल्स लिखते हैं कि हम इंटरनली कैसे बिहेव करेंगे। कोई शेयर अगर हमें ख़रीदना है, बायबैक ऑप्शन क्या है, हम क्या क्या करते हैं इंटरनली, इंटरनल रूल्स वो होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इंक्लूड्स वो सारे पर्पसेस जिस पर्पस के लिए वो कंपनी फाउंड करी गई है, वो सारी चीज़ें, उसके सारे लॉज, रेगुलेशन जो वो बाहर वाले लोगों के साथ इंट्रैक्ट करेगी। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। मेमोरेंडम को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर। दिस इज़ यू, दोबारा लिख देते हैं इसको हम, आउटडोर मैनेजमेंट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बाहर के लोगों से कैसे डील करनी है, ये बात मेमोरेंडम में लिखी होती है, इसलिए हम मेमोरेंडम को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट वर्क आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम में जो भी लिखा है बस वही कर सकती है, इसके अलावा और कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर वो कोई भी काम करती है जो उसके मेमोरेंडम में नहीं लिखा, तो वो सारे काम कहलाए जाते हैं सुपरवाइज एंड देयरफॉर नल, मतलब कहलाए जाते हैं नल एंड वॉइड, मतलब बिल्कुल गलत और शुरू से ही ये गलत मान लिए जाते हैं, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी कंपनी है जो कि फॉर्म करी गई थी कपड़े बनाने के लिए, उसका मेन पर्पस है कि हम कपड़ा बनाएंगे, तो उसने अपने मेमोरेंडम में क्या लिखेगी कि प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। इसके अलावा वो जो जो फैब्रिक्स बनाएगी सारी बातें लिखेगी, लेकिन कपड़ा बनाने वाला काम छोड़ के वो दवाइयों की सप्लाई में आ रही है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल नल एंड वॉइड कहा जाएगा और बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, द मेमोरेंडम इज़ ओपन टू द मीडिया। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मेमोरेंडम जो है ओपन टू मीडिया है, मतलब एवरीबॉडी कैन रीड दैट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हर एक कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो सारी कंपनीज बनाती हैं और उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उस कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव कि वो क्यों आई है दुनिया में, वो कंपनी क्यों आई भाई, क्यों बनाई गई है। तो हम उस मेमोरेंडम को पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं, मतलब एवरीबडी कैन रीड। जिसको भी मेमोरेंडम पढ़ना है, किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ना है, ईजिली वो मेमोरेंडम को रीड कर सकती है और आराम से उसको जान सकती है उस कंपनी के बारे में। इससे लिखा हुआ है द मेमोरेंडम इज़ ओपन टू द मीडिया, दस ऑल दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू एन इंडिविजुअल हु विशेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉर्पोरेशन इज़ टू पे द रिक्वायर्ड फीस टू द रजिस्ट्रार एंड रिसीव द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है जिसका मेमोरेंडम बना हुआ है, इस कंपनी के साथ एक कोई बी नाम की कंपनी डील करने वाली है, तो बी नाम की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कंपनी के मेमोरेंडम को बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से पढ़ ले, क्योंकि मेमोरेंडम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी वन हु डज बिजनेस विथ द फर्म टू बी अवेयर
ऑफ इट्स मेमोरेंडम। ये अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही गई है यहाँ पर, आप इसे बड़े ध्यान से सुन लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ए नाम की कंपनी को बी नाम की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना है या बिजनेस करना है। तो ए भी एक कंपनी है, बी भी एक कंपनी है, तो मतलब ए ने भी अपना MOA बनाया होगा और बी ने भी अपना MOA बनाया होगा, क्योंकि भाई MOA तो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है, सभी लोग बनाते हैं। तो डील करने से पहले, यहाँ पर मिलने आना है इन्हें, तो यहाँ पर मिलने आने से पहले बी ए का MOA पढ़ के आएगा और ए बी का MOA पढ़ के आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि MOA जो है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इट इज़ ओपन टू मीडिया, ये मीडिया में ओपन है और उसको पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इट इज़ एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि आप कभी भी कोई एग्रीमेंट करने के लिए अगर आ रहे हो किसी कंपनी के साथ, तो आपको उसका मेमोरेंडम अच्छे से पता होना चाहिए, आपको उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है बिज़नेस, उसका क्या काम है, सब कुछ। क्योंकि कल को अगर कोई गड़बड़ होती है तो आप दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। जी हाँ, इसको फिर से समझ लीजिए। अगर ए का मेन पर्पस है कि वो कपड़े बनाता है, गारमेंट्स बनाता है, इसके मेमोरेंडम में लिखा है कि गारमेंट्स बनाता है, और बी ने इसके मेमोरेंडम को जो है नहीं पढ़ा, और ए ने गारमेंट्स की जगह बी के साथ मेडिसिन में डील कर ली, ए ने बी को मेडिसिन अप्लाई कर दी, बट रियलिटी में वो मेडिसिन नहीं बनाता, तो बी विल ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस पूरे कांड के लिए ए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, क्योंकि ए ने इतना बड़ा झोल करा, लेकिन इसके साथ साथ बी भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि बी ने मीटिंग करने से पहले उसका मेमोरेंडम नहीं पढ़ा क्या? उसके मेमोरेंडम में जब गारमेंट्स लिखा है तो वो मेडिसिन में डील कैसे कर सकता है? दैट इज़ वाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको बहुत ध्यान से पढ़कर जा रहे हैं, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय द कंपनी लॉ, इट इज़ एक्सपेक्टेड बाय एवरीवन कि आप अगर आए हो तो आप पढ़ के आए हो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है, द कंपनी मेमोरेंडम शुड बी टाइप्ड, काउंटेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू चैप्टर्स। कंपनी का जो मेमोरेंडम है वो एक पर्चे की तरह ढेर सारा एक पेज पे नहीं लिखा होता, वो टाइप किया होता है, गिना हुआ होता है और ब्रोकन होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, छोटे छोटे सेक्शंस में, क्लॉजेज में, ऐसे चाहे तो वो हो सकता है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स इन रजिस्टरिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड्स मच ऑफ द कंपनीज इन्फॉर्मेशन। कंपनी की बहुत ही ज़्यादा जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंशन होती है। इट कंट्रोल्स अ कंपनीज इंट्रैक्शन, कंपनी के इंट्रैक्शन को कंट्रोल भी करता है विद इट्स स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मतलब वो वाले लोग जिनका कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, वो वाले लोग जिनका हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्टेड हैं, मनी वाला इंटरेस्ट नहीं, यहाँ पे दूसरा वाला इंटरेस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को हमारी कंपनी में क्या इंटरेस्ट हो सकता है? उसको हमारे से डिविडेंड मिलेगा। हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज़, इनको हमारे से क्या स्टेक हो सकता है? इनको हमसे सैलरी मिलेगी। हमारे कस्टमर, इनको हमसे क्या स्टेक हो सकता है? ये हमसे सामान खरीदेंगे। तो स्टेक होल्डर्स वो वाले लोग होते हैं जिनको हमारी कंपनी में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है, और स्टेक शब्द का मतलब भी इंटरेस्ट है। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि जो मेमोरेंडम है उसमें लिखा होता है कि कंपनी कैसे अपने स्टेक होल्डर्स के साथ इंट्रैक्शन करती है। सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट मेमोरेंडम इज रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेशन मतलब हमको सेक्शन 3 कंपनी लॉ का बोलता है कि बेटा अगर आप कंपनी बनाना चाह रहे हो कि कोई कंपनी खड़ी करो, तो उसको खड़ी करने के लिए यू नीड टू हैव अ मेमोरेंडम विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अब हम देखते हैं कि मेमोरेंडम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। हमने जब मेमोरेंडम बना लिया, हमने अपना मेमोरेंडम प्रिपेयर कर लिया, हमने सब बता दिया कि हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, किससे किससे डील करेंगे, सब कुछ बन गया, एकदम तैयार है। अब उस मेमोरेंडम पे साइन कौन करेगा? 7 or more एम्प्लॉइज़ आर एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। क्योंकि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वी नीड टू हैव 7 members, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट मेम्बर्स हो सकते हैं। इसलिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करने के लिए 7 लोग मिनिमम चाहिए अगर कंपनी पब्लिक है तो। 2 or more पीपल आर एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। क्योंकि प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए? 2 से 200। दिस इज़ द मिनिमम लिमिट, दिस इज़ मैक्सिमम लिमिट,
और यहाँ पर कितनी है, 7 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर हमें इसलिए बोला गया है कि 2 मेंबर्स तो चाहिए ही चाहिए साइन करने के लिए। ओनली 1 मेंबर इज एक्सपेक्टेड इन द केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। अगर हम OPC चलाते हैं, 1 पर्सन कंपनी चलाते हैं, उस केस में एक ही बंदे का साइन चाहिए होगा। तो ये हो गया हमारा साइन करने के लिए हमें कैसे कैसे कौन कौन चाहिए। अब आ जाता है कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम हमने बताया कि कोई सीधा सा पर्चा नहीं होता कि हमने एक साथ उसमें ढेर सारी बातें उतार दी। नो, इसमें क्लॉजेज बना दिए होते हैं, इसमें सेक्शंस बना दिए होते हैं जो कि हमको बाद में ईजी पढ़े पढ़ने के लिए या समझने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले क्लॉज पर। सबसे पहले क्लॉज को हम कहते हैं नेम क्लॉज। द कंपनी नेम इज स्टेटेड इन द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जो मेमोरेंडम है उसमें सबसे पहला जो क्लॉज होता है, उस क्लॉज में होता है कंपनी का नाम। हमें जो भी नाम रखवाना है हमें वो नाम उसमें सबसे पहले देना पड़ेगा। द कंपनी नेम मे बी एनीथिंग, कोई भी नाम हो सकता है, ABC, XYZ, DEF, राम कंपनी, श्याम कंपनी, मोहन कंपनी, कोई भी कंपनी हो सकती है। However, there are various requirements that need to be fulfilled. लेकिन कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कौन सी बातें हैं? A company's name should include the word limited if it's a public company. अगर public company है तो limited लगाना है, और अगर private company है तो private limited लगाना है। जैसे अगर private company है तो आप क्या नाम लिखोगे? ABC private limited. ये कहना चाह रहे हैं ये वाली बात। बाकी नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे तो आप जो प्रीफिक्स है कुछ भी लगा सकते हो, बट सफिक्स में पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड होना चाहिए, प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्लॉज आ जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस लॉज। द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ कॉरपोरेशन इज डिटरमाइंड बाय इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। आपने कभी कभी देखा होगा अगर कोई हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट पे लिखा होता है कि अगर कोई केस करना हो या कोई अगर कोई मतलब लॉ की ज़रूरत हो तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा ज्यूरिसडिक्शन इलाहाबाद कोर्ट में ही होगा। ठीक है, आप नॉर्मली आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने कहीं चीज़ें पढ़ी होंगी, ये होती हैं, ये बोली जाती हैं, एक दो बार मैंने भी देखा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रख रहे हैं। ऑल राइट, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी कंपनी बनाई ABC के नाम से और हमने बोला कि भाई हम अपनी ABC का जो ऑफिस है, जो हेड ऑफिस है, जो मेन ऑफिस होगा वो रखेंगे UP में। ठीक है, UP में रखेंगे। अभी हमने डिसाइड नहीं करा कि पक्का UP में किधर रखेंगे, कौन से एरिया में, कौन सी गली में, कौन से मोहल्ले में, अभी हमने ये नहीं डिसाइड करा, हमने केवल और केवल स्टेट डिसाइड कर लिया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं कि ये हम क्या करते हैं। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज डिस्कस्ड इन सेक्शन 12। ये बात याद रखिएगा, अभी ये वाली अभी कंटिन्यू होगी आगे। इट इज़ सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई द स्टेट। सबसे पहले तो हमें ये बताना है केवल कि हम कौन से स्टेट में रखेंगे। जैसे कि हमने बोला कि ABC को हम अभी UP स्टेट में रखेंगे, लेकिन क्योंकि अभी कंपनी बनी नहीं है, अभी हमें पूरा पक्का नहीं पता कि हम गोमती नगर में रखेंगे कि हजरतगंज में रखेंगे, इसीलिए हमको 30 दिन दिए जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद कि बेटा तुम 30 दिन के अंदर अंदर जो है हमको अपना पक्का वाला एड्रेस बता देना। ऑलराइट, तो रजिस्टर्ड ऑफिस लॉज में कंपनी का पक्का वाला जो हेड ऑफिस है उसका मेन एड्रेस होता है, लेकिन क्योंकि अभी हम कंपनी बना रहे हैं, क्या लिखा है, However, the firm must declare the precise location with the registered office after incorporation. Okay, अभी मेमोरेंडम तैयार हो रहा है तो अभी हम इसमें सिर्फ यूपी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जब कंपनी बन जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, उसके बाद उस डेट से, जिस जो डेट आपके सर्टिफिकेट पर लिखी है उस डेट से लेके 30 दिन आपको दिए जाते हैं इस रजिस्टर्ड ऑफिस में जो पक्का वाला आपका एड्रेस है वो बताने के लिए। तो आपको ये बताना होगा, सिर्फ यूपी लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमको अपना क्लियरली बताना पड़ेगा कि यूपी में हम गोमती नगर में अपना ऑफिस खोल रहे हैं कि हम हजरतगंज में खोल रहे हैं कि हम कहाँ पे खोल रहे हैं, तो ये हमको बताना ज़रूरी है। थर्ड क्लॉज जो आ जाता है वो ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसको हम ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मेमोरेंडम। क्यों? क्योंकि हम यही पढ़ते ही हैं, हम यही जानते ही हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि मेमोरेंडम क्या होता है तो
तो हम ये बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं। लेकिन अभी हमने दो क्लॉजेज आपके सामने पढ़ लिए हैं, तो तीसरा वाला जो हम ऑब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वैसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का नाम चलता है। इट आउटलाइंस द रीज़न द फर्म वॉज फाउंडेड, क्योंकि इसका नाम ही ऑब्जेक्ट क्लॉज, हमको ये बताता है कि क्या मकसद है तुम्हारा, क्यों तुमने कंपनी खोली है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एज वेल एज एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू अकम्पलिश A specified object, commonly referred to as incidental or supplementary, are both included in the object clause. इस object clause में हम सारी बातें लिखते हैं कि main purpose हमारा क्या है, उस purpose को fulfill करने के लिए और कौन कौन से purposes fulfill हो रहे हैं, तो सारी detailing हम इस clause में कर लेते हैं, which is related to the objective. By restricting the company's range of authority, the following are protected by the object clause. ये कुछ लोग हैं जिनका protection हो जाता है। सबसे पहला shareholder. The object clause makes it clear with operation the firm will do. ठीक है, shareholder को क्या clear होता है? ये clear हो जाता है कि काम कैसे करेगी हमारी company. The shareholder, this makes it easier for the shareholders to understand how the investment in the business will be put to use. जैसे कि हम एक outsider हैं तो हमारे लिए जो मेमोरेंडम में इंफॉर्मेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर हम उस कंपनी के मेमोरेंडम को हमने लिया और हम उसको पढ़ रहे हैं, हमने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करा, तो मेमोरेंडम में ये भी तो लिखा होगा कि भाई हम बाहर वालों से पैसे लेके कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी कहाँ कहाँ आपके पैसे को लगा रही है ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए ना शेयर होल्डर को, क्योंकि शेयर होल्डर ने ही तो पैसे दिए हैं, उसके ही तो पैसे फंस रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शेयर होल्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके पैसे का वो कहाँ कहाँ पर खर्च कर रही है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी टू इन्फॉर्म हम कैसे खर्चा करेंगे। क्रेडिटर्स को क्या फ़ायदा है ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ने से? क्रेडिटर्स को फ़ायदा होता है, उनको एक अश्योरेंस मिलती है कि उनका पैसा जो है वो सेफ है और बिजनेस ऑपरेट हो रहा है रिस्ट्रिक्शंस में ही, कहीं उससे बाहर नहीं जा रहा, जो क्लॉज में लिखा है वही काम हो रहा है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट, the purpose of this clause restricts the range of issue of corporation may handle, making it impossible for the company to diversify its lines. कुछ कुछ चीज़ें हम public interest में करते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम public interest में नहीं करते, तो ये वाला clause company को restrict करता है कि आप कौन कौन सा काम नहीं कर सकते। Next clause is liability clause. इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं, liability बताता है। Limited by shares, a private corporation is what the companies Act of 2013 defines. The sole cost incurred by shareholder in a corporation limited by share is the cost of the share they have subscribed for. Shareholder limited by shares. Company कौन सी होती है? वो वाली company होती है जहाँ पर shareholder जो है वो share की cost जितने का उसने share खरीदा उतने की उसकी liability होती है. Their obligation will only extend to the unpaid amount. उनका obligation केवल और केवल unpaid amount तक ही रहता है, वो इसीलिए they did not pay the full price of the shares in the corporation fails. Okay, यहाँ पर आप एक example ले लीजिए तो आपको limited by share समझ में आ जाएगा। For example, एक company है जहाँ पर एक share 10 रुपये का है, alright, और एक आदमी ने 1000 खरीद लिए, ओके 1000 शेयर खरीद लिए। अब उस 1000 में से उसने 6 रुपये वाला अमाउंट तो दे दिया, तो मतलब 6000 तो वो दे चुका है, बचा अनपेड कितना, 10 में से 6 गए तो बचा 4 रुपये। जब 10000 में से 6000 रुपये दे चुका है तो अभी कितना बचा? अभी बच रहा है हमारे पास 4000 ओनली, यहाँ पर 10000 होगा, ऑलराइट, तो 4000, तो वो केवल अभी इस 4000 के लिए लायबल रहेगा, ठीक है, केवल अनपेड अमाउंट के लिए ही लायबल रहेगा, अब उससे एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी वो वाली कंपनी होती है, इट डिफाइंस अ लिमिटेड बाय गारंटी इंस्टेड ऑफ स्टॉक होल्डर्स। अ बिजनेस लिमिटेड बाय गारंटी हैज इट्स मेंबर्स। दीज मेंबर्स अग्री टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज एसेट्स अपॉन द डिसोल्यूशन। द मेंबर्स प्रॉमिस दैट दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक सम। इसके नाम पर जाइए, लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी की गारंटी ले लेते हैं कि भाई इतना देंगे, उतना ही वो देते हैं, उसे हम कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट इज कैपिटल क्लॉज। इट डिटेल्स द कंपनीज एंटायर शेयर कैपिटल एज वेल एज शेयर स्ट्रक्चर।
कौन कौन से शेयर होंगे, कौन कौन से शेयर इशू करे जाएंगे, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या है, ये सारी बातें हमको बताई जाती हैं इस कैपिटल क्लॉज में। इक्विटी शेयर है कि प्रेफरेंस शेयर है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, सारी बातें। नेक्स्ट क्लॉज इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हु इज़ साइनिंग द मेमोरेंडम इज स्टेटेड इन द सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कौन कौन बंदा आपके मेमोरेंडम में साइन कर रहा है, ये बात आपके सब्सक्रिप्शन क्लॉज में लिखी होनी चाहिए। ईच सब्सक्राइबर मस्ट स्पेसिफाई हाउ मेनी शेयर ही इज़ परचेजिंग। और साइन करने के साथ साथ ये भी बताओ कि तुम कितने शेयर ले रहे हो। द मेमोरेंडम मस्ट बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर्स इन द प्रेजेंस ऑफ टू विटनेसेस। और दो आपके पास विटनेस होनी चाहिए जिनके सामने आप साइन कर रहे हो। अ मिनिमम ऑफ वन शेयर मस्ट बी परचेज बाय ईच सब्सक्राइबर। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम एक शेयर तो आपने खरीदना ही खरीदना है अगर आप मेमोरेंडम पर साइन कर रहे हो तो। फिर नेक्स्ट वन इज एसोसिएशन क्लॉज। द मेमोरेंडम सिग्नेटरी, वो बंदे जिन्होंने यहाँ पर साइन करा था ना, एक्सप्रेस देयर डिज़ायर टू अफिलिएट विद द बिजनेस एंड टू क्रिएट एन एसोसिएशन इन दिस सेक्शन। इसमें ये बताते हैं कि हाँ हम बिजनेस से एसोसिएट क्यों हैं और हम यहाँ पर क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर केवल डिज़ायर बताई जाती है, एसोसिएशन क्लॉज इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ वॉट इज़ द यूज़, यहाँ पर टाइपो हो गया, कार नहीं होगा होगा, वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का यूज़ क्या है। पहला पॉइंट, इट स्टैब्लिशेज अ कंपनीज बाउंड्री विद विद इन विच इट इज़ नॉट परमिटेड टू ऑपरेट। देखिए मेमोरेंडम हमारे लिए एक हदे डिसाइड करता है, ठीक है, एक तरह की आप समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा है कि भाई कंपनी तुम इधर रहो, तुम इधर से इधर केवल वही सारे काम कर सकती हो जो जो तुमने अपने मेमोरेंडम में लिखे हैं, इसके अलावा और कोई भी काम आप नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। अगर आपने उसके अलावा कोई और काम कर लिया तो आपके सारे काम नल एंड वॉइड हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे और बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंट्रोल्स हाउ अ कॉरपोरेशन इंट्रैक्ट्स। ये हमें ये भी बताता है कि कैसे एक इनकॉरपोरेशन बाहरी दुनिया से इंट्रैक्ट करेगी, बात करेगी। अगेन हदें बताता है कि हमारी लिमिट्स क्या हैं। नेक्स्ट, विदाउट इट द फर्म कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड थ्रू आउट द रजिस्ट्रेशन। बिना मेमोरेंडम के आप अपनी कंपनी स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगेन मेमोरेंडम इज़ द चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर डॉक्यूमेंट मतलब वेरी इम्पॉर्टेंट एंड प्राइम डॉक्यूमेंट, इसके बिना आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पहुंच ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट, इट एड्स एनीबॉडी सीकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म इन ऑर्डर टू एंगेज इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल कनेक्शन। हर एक इंसान के लिए मेमोरेंडम पढ़ना ज़रूरी है जो इंसान उस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, कोई एग्रीमेंट में आना चाहता है, कुछ भी, कोई उसको हेल्प चाहिए। लास्ट पॉइंट, ड्यू टू द फैक्ट दैट इट कंटेन्स ऑल ऑफ द इन्फॉर्मेशन इट्स मेंबर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंपनी चार्टर। अगेन सेम बात जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख कर बताई, वो यहाँ पर भी लिखी हुई है कि क्योंकि इस मेमोरेंडम में मेंबर्स की सारी बातें होती हैं, फर्म के बारे में सब कुछ होता है, मेंबर्स के बारे में सब कुछ होता है, कौन कितना शेयर ले रहा है, सारी बातें लिखी होती हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ लिखी होती हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं कंपनी चार्टर या फिर चार्टर डॉक्यूमेंट। इसका नाम जो भी हमने ऊपर लिखा था फिर से हम लिख देते हैं, उसका दूसरा नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर। आउटडोर हम इसको क्यों कह रहे हैं, अगेन हम इसको आउटडोर इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें वो वाली बातें लिखी होती हैं, वो वाले रूल्स लिखे होते हैं जो बाहर वाले लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, जो लोग डोर से बाहर रहते हैं, ठीक है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड। ये तो कंपनी है, इस कंपनी से बाहर जो ये सब लोग रह रहे हैं ना, इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए हम मेमोरेंडम बनाते हैं। ऑलराइट, ये इस मेमोरेंडम को पढ़ेंगे, जब ये इस मेमोरेंडम को पढ़ेंगे तो ही हमारी कंपनी के बारे में जान पाएंगे, ठीक है, नाम क्या है, जो भी हमने ऊपर यहाँ पर क्लॉजेस पढ़े इन क्लॉजेस को जान पाएंगे कि एसोसिएशन कैसा है, इनका लायबिलिटी कैसी है, कैपिटल कैसा है, ऑफिस इनका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, सारी इन्फॉर्मेशन तो तभी पता चल पाएगी ना। इसलिए बोल रहे हैं कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इस मेमोरेंडम को बनाना हर कंपनी के लिए कंपलसरी है, आपको बनाना पड़ेगा, बिना इसके आपका काम नहीं हो सकता और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं आपको इस से हटके कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, सारी एक्टिविटीज़ नल एंड वॉइड हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और अगर आप किसी और अगर आपकी खुद की कंपनी और आप किसी और कंपनी के साथ डील करने जा रहे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड
कि आपको उसका मेमोरेंडम पता है और उसको आपका मेमोरेंडम पता है, अदरवाइज दोनों ही कंपनीज फंसेंगी। ठीक है, ये कंपनी डील करने जा रही है बी के साथ, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ए का मेमोरेंडम बना है, बी का मेमोरेंडम बना है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बी ने ए का मेमोरेंडम पढ़ा है और ए ने बी का मेमोरेंडम पढ़ा है, क्योंकि कल को अगर कुछ भी कांड होता है तो यहाँ पे बोथ विल बी रिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप यूज़ कर सकते हैं हमारा कमेंट बॉक्स, और कोई आपके वैल्यूएबल सजेशंस हो तो आप वो भी हमें दे सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।